मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास खाली कर दिया। डेढ़ दशक से अधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज को पार्टी ने इस बार ऐतिहासिक जीत के बावजूद पद मुक्त कर दिया है। शिवराज को संगठन में नई जिम्मेदारी देने की चर्चा है। पार्टी ने उनकी जगह अब मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बनाया है। विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी रहे विवेक बंटी साहू को एक बार फिर से भाजपा प्रदेश संगठन के द्वारा छिंदवाड़ा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया गया था। वहीं उनकी जगह प्रियवर सिंह ठाकुर को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अब दोबारा विवेक बंटी साहू को भाजपा संगठन ने अध्यक्ष बनाया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शरण मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का 8 सदस्यीय दल महाकाल मंदिर पहुंचा। विशेषज्ञों ने गर्भगृह में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से शिवलिंग के शरण की स्थिति देखी है। इसके बाद संभावित शरण वाले हिस्से के फोटो लिए हैं। दल के सदस्यों ने शिवलिंग की गोलाई तथा ऊंचाई के नाप के साथ उस पर जमा दुग्ध पदार्थ व पूजन सामग्री के नमूने भी लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह की सराहना की है। सीएम मोहन यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि भारतीय संगीत को नई ऊंचाई पर ले जाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। तबला वादन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पीएम ने बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवास जिले की स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता रूबीना खान से संवाद के दौरान मजाकिया लहजे में कहा कि उनके पास तो साइकिल भी नहीं है और स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता ने अपने दम पर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए मारुति वैन ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देवास जिले में 1,03,000 दीदियों के समूह की सदस्य रूबीना खान से संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी राज्य मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।